ओह माय गॉड, सिर्फ 2 मिनट में कैमरा सेट। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इतना भी इजी कोई टेक्निक होता है क्या? ऊपर नीचे डायरेक्शन जो भी चेंज करना आप लोग इसे आप इजीली आप लोग कर सकते हो, इतना इजी टेक्निक। जब भी मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में या फिर मेरे FB में बहुत सारे मतलब कमेंट आते रहते हैं या फिर मैसेज आते रहते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो और आप अपने हेलमेट पे कैमरा कैसे माउंट करते हो, प्लीज़ हमें भी बताओ, हमें भी जानना है, हमें भी मोटो ब्लॉगिंग करना है, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो ये बताओ वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको सारा कुछ अपना बताने वाला हूँ और कैमरा कैसे हेलमेट पे माउंट किया जाता है जो मैं आज बताने वाला हूँ, उससे पहले वीडियो पे यूट्यूब पे मैं भी बताया लेकिन इतना आसान तरीका से कभी भी कोई भी नहीं बताया है। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताने वाला हूँ कैसे अपने हेलमेट पे आप अपना जो एक्शन कैमरा या गोप्रो है कुछ भी है आप लोग उसे माउंट कर सकते हो। तो बिना टाइम पास के लिए चलिए उसे दिखाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुर एंड आशीष। तो अब चलिए हम लोग उस प्रोसेस को देखते हैं, सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है, चलिए। एंड नाउ जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा कैमरा है SJCAM का, और इससे पहले जो मेरा कैमरा था वो नॉइस प्ले का था जो कि खराब हो गया था पानी में गिर करके, सो दिस रीजन मैंने ये नया कैमरा मंगाया है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको बिकॉज दिस नॉट अनबॉक्सिंग वीडियो। सो इसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब आप लोग इसे खोलेगा तो इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट निकलेगा, तो वो सब मैं आपको इक्विपमेंट दिखाता हूँ। एंड नाउ जैसा कि आप लोग देख सकते हो जब हम लोग उस बॉक्स को खोल चुके हैं तो यहाँ पर इतने सारे इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा। मेन जो है ये है भैया, ये तो सबको पता है, यही एक्शन कैमरा। और देखो इसका इसी जगह से ये कैमरा जो है वो सेट होगा, अच्छे से देख लो आप लोग। और ये देखो ये है, ये है, ये है, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीका का। एक कर्वी होता है, एक सीधा होता है, और ये देखो ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ में से आपको कुछ भी काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगा, एक ये चीज़ काम आएगा। इसे मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूँ, होप आप लोग अच्छे से दिख रहा हो। ये देखो चारों तरफ से दिखा जैसे कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ये देखने में थोड़ा सा जे टाइप का लग रहा है, अगर इस तरह से अगर आप लोग कर दो तो, ये देखो जे लग रहा ना एकदम जे जैसा। तो ये एक है जे माउंट जिसको बोला जाता है, और एक ये स्क्रू इसका काम आएगा, और एंड देन आपको एक इसका काम आएगा। ओके ये एक स्ट्रेट में है और मेरा जो हेलमेट है वो हल्का सा कर्वी है, सो एक कर्वी वाला होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब आप लोग इसे उखाड़ोगे ना यहाँ से, इसके अंदर में गोंद लगे रहता है, जब आप लोग इसे उखाड़ोगे तो आप लोग इसे ईजिली आप लोग हेलमेट पर अपना चिपका सकते हो इसे। तो ये देखो हेलमेट आपका यहाँ पर, और यहाँ पर हम मैं पहले से ही चिपका चुका हूँ उखाड़ करके। ये जो है ये बेसिकली एक कर्वी वाला है, और मैं आप लोगों को एक बार जरा और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से ये हेलमेट पे चिपक चुका है आगे में, और ये देखो यहाँ से भी देख लो। तो इसे एकदम अच्छे तरीके से ना अपने थंब से प्रेस करना है, एकदम ज़ोर ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि नहीं कि ये टूट जाए, अच्छे से प्रेस करना। और इसका जो गोंद रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, आप लोग हिलाओगे भी तो ये चीज़ निकलेगा नहीं, बट स्टिल अगर आप लोग इसे और ज़्यादा मजबूती देना हो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोगों आप इसके और ज़्यादा मजबूती देने के लिए आप लोग इसे क्या कर सकते हो। बेसिकली ये जो आप लोग बेसिकली ये जो फेविक्विक देख रहे हो इससे आप लोग इसे अच्छी तरीके से आप लोग चिपका सकते हो। ये देखो कैसे इसके साइड साइड में पूरा आप लोग फेविक्विक लगा दो जिससे कि एकदम रॉक सॉलिड हो जाए, और उखड़ने का तो कोई इसका चांस ही ना रहे, हेलमेट टूट जाए बट ये चीज़ नहीं उखड़े, इस हिसाब से आप लोग इसे चिपका दो। बिकॉज यार कैमरा अगर गिरेगा ना तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा हम लोग के लिए, इसलिए इसका चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो मैं चारों साइड से इसे मैं अच्छे से चिपका दे रहा हूँ एकदम अच्छे से। एंड नाउ जैसे कि मैं आप लोग ये चीज़ दिखा चुका हूँ जे माउंट, आप लोग ध्यान दीजिए कि इसका यहाँ पर दो स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब ये दबाने वाले, देखिए ये चीज़ जो है ये बेसिकली दबता है, और यहाँ पर देखिए यही वाला चीज़ को हम लोग दबा करके यहाँ पर हम लोग फंसाएंगे। ये देखो कैमरामैन जरा अच्छे से दिखा दो, ये देखो ईजिली यहाँ पर ये चीज़ घुस जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, बस इसे हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है, और ये देखो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ दब चुका है। एंड नाउ जैसा कि आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से आप लोग देख सकते हो, कैमरामैन अच्छे से दिखाओ इसे। ओके एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको जो एक्शन कैमरा है देख रहे हो ना, एक्शन कैमरा इसका जो ये नीचे में आप लोग देख रहे हो ये दो होल है,
इसे कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर सेट कर देना है। इससे कैमरा बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा और इसे कुछ होगा भी नहीं। ये देखो सेट हो गया, कैमरा हो गया ना इसके बीच में लगा करके। अब ये जो आप लोग देख रहे हो स्क्रू, इसे बस सिर्फ यहाँ पर इस तरीका से ऐसे कर देना है। और ये जो बेसिकली आप जो ये एक्शन कैमरा देख रहे हो, ये ऑलवेज केज में ही रहता है, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लेना कि भला इसे केज में कैसे डाला जाए, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये देखो यहाँ पर हम लोग स्क्रू को घुसा चुके हैं, इसके बीच में जो छेदा है और इसे हम लोग घुसा चुके हैं, ये देखो, और इसे आप लोग टाइट कर सकते हो। ठीक है, हो गया हेलमेट में सेट एकदम प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोग इसको कैमरा का एंगल आप लोगों को चेंज करना, लाइक इसे नीचे तरफ करना है, तो इसे हल्का सा लूज करो, ऐसे कर दो, ये देखो लूज हो गया। कैमरामैन सर ऊपर से दिखाइएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंगल वगैरह इसका इस तरीके से चेंज हो सकता है। ओके, बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसको ऊपर करना है तो इसे फिर से लूज़ करो, कैमरा को इस तरह से ऊपर कर दो और फिर से इसे टाइट कर दो। भला इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को कौन बताएगा यूट्यूब में यार, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ। एंड नाउ जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कैमरा एकदम सेट हो चुका है, वो भी एकदम 2 मिनट में। भला इससे ईजी टेक्निक आपको और आपको कौन बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।